So, hello students. Welcome to daily AIAPGET practice questions organized by Apt Ayurveda classes. Daily, you have to solve 10 questions and the time limit will be 15 minutes. How you have to give the test? First, you have to download the app from Google Play Store. Then, you have to sign up. You have to enroll to daily live test course. Then,

स्टूडेंट्स ध्यान रखिए ये क्वेश्चन उच्चारण स्थान से लिया गया है जो कि हम संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं उच्चारण स्थान क्या कहता है अकुह विसर्जनिया कंठ इसके बाद तालू का क्या है इच्छु यशा नाम तालु मूर्धा के लिए कहा गया है रुतुर रसा नाम मूर्धा एंड दंत के लिए कहा गया, गया है रुतुल रसा नाम दंत सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुश्रुत अनुसार सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें अब सूची एक में देखो क्या क्या दिया हुआ है रचना भेद से मर्म के प्रकार दिए हैं और सूची दो में मर्म संख्या दी है तो अब हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे सबसे पहले संधि मर्म की संख्या कितनी है बीस इसके बाद अस्थि मर्म कितने हैं आठ जैसे हम अष्टी भी कहते हैं स्नायु मर्म कितने हैं सत्तावीस और सिरा मर्म कितने हैं फोर्टी वन तो यहां पर ट्वेंटी का क्या है थ्री ऑप्शन अस्थि का एट है इसका कितना है फोर स्नायु का ट्वेंटी सेवन है मतलब वन और सिरा का कितना है टू तो करेक्ट सीक्वेंस इज थ्री फोर वन टू सो यर इज राइट आंसर थ्री फोर वन एंड टू रेफरेंसेस शुश्रुत सारिर 6/4 विज्ञानी अध्याय नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज डैश 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 संधिता गेया मूलक के सर्षपादी भी क्वेश्चन इज फ्रॉम भैषज्य कल्पना अब श्लोक का मीनिंग देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है मूलक और सर्षप इनके संधान से जो कल्पना तैयार होती है उसे क्या कहते हैं तो उसका करेक्ट आंसर है संडाकी जब हम सुश्रुत सॉरी शारंगधर मध्यम खंड दसवा अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हमें पूरे मध्य कल्पनाओं के बारे में पढ़ना है तो मध्य कल्पनाओं में ही एक कल्पना है संडा की तो उसके बारे में कहा गया है संडा की संधिता मूलक है सरसपा दी नेक्स्ट पिछिल एवं विशद को किस आचार्य ने वीर्य माना है क्वेश्चन इज फ्रॉम द्रव्य गुण पार्ट वन अब ध्यान रखिए ये दोनों स्पेसिफिक जो वीर्य है ये सिर्फ किसे किसके अकॉर्डिंग कहे गए हैं शुश्रुत ने माना है सिर्फ उसको वीर्य बाकी और किसी ने भी पिछिल और विशद को वीर्य नहीं माना है चरक ने भी दो और आठ प्रकार के माने हैं अष्टांग संग्रह में भी दो और आठ प्रकार के बताए गए हैं बट स्पेसिफिक पिछिल और विशद को वीर्य माना है सुश्रुत ने तो इसका आ, आंसर होगा ऑप्शन टू रेफरेंस यू विल फाइंड इट ऑन सुश्रुत सूत्र फोर्टी बाय फाइव क्वेश्चन इज नीचे दो कथन दिए हैं कथन एक चरक अनुसार अस्थि व स्त्रोत का मूल स्थान अस्थि मूल और संधि बताया गया है कथन दो सुश्रुत अनुसार शुक्र व स्त्रोत का मूल स्थान घूषण और स्तन बताया गया है उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन करें क्वेश्चन हमने शारीरिक क्रिया से लिया है अब ध्यान दीजिए पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोलता है अस्थि स्तोतस का मूल स्थान अस्थि मूल और संधि है ये अस्थि व के बारे में है या नहीं चरक ने क्या बताया अस्थि व का मूल स्थान जगन बताया है प्लस मेदो मूल बताया है ये किसके अकॉर्डिंग है चरक के अकॉर्डिंग है और अस्थि मूल और संधि किसका मूल स्थान बताया गया है मज्जा व्रोतस का तो ये स्टेटमेंट सही है क्या नहीं ये स्टेटमेंट गलत है अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो सुश्रुत अनुसार शुक्र व्रोतस का मूल स्थान वृषण और स्तन है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये तो अब हमारा चार ऑप्शंस में से सही क्या होगा पहला स्टेटमेंट गलत है मतलब कथन एक गलत है परंतु कथन दो क्या है सही है इसका रेफरेंस आपको मिलेगा चरक विमान पांचवें अध्याय के आठवें श्लोक में और सुश्रुत शारीर नौवे अध्याय के बारहवें श्लोक में ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर नेक्स्ट हारित अनुसार गर्भ में जीव उत्पत्ति किस मास में होती है अब देखिए स्टूडेंट्स जैसे चरक और सुश्रुत ने मासानुमासिक क्रम बताए हैं वैसे ही हारित ने भी मासानुमासिक क्रम बताए हैं तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं सबसे पहले आ, मैं आपको आपका इसका राइट आंसर बता देता हूं जीव उत्पत्ति हारित ने फिफ्थ मंथ में मतलब पंचम मास में बताई है अब देखिए पे बाकी ऑप्शंस भी हमें पता होने चाहिए कि बाकी ऑप्शंस में क्या आता है तो तृतीय मास में हारित क्या बोलते हैं हस्तपात वृद्धि होती है हस्तपात की क्या होती है वृद्धि होती है कौन से मास में तृतीय मास में चतुर्थ मास में क्या होता है लोम स्पष्ट होते हैं पांचवें मास में जीव उत्पत्ति होती है मास में क्या होता है मास में प्रसफूरण प्रारंभ होता है प्रारंभ होता है मतलब पल्सेशन की शुरुआत होती है ठीक है तो करेक्ट आंसर यार इज ऑप्शन सी रेफरेंस इज हारित शारी स्थान अध्याय नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन क्वेश्चन ऑप्शन ए इज थर्टी जनवरी ऑप्शन बी इज फोर्थ फेब्रुवरी ऑप्शन सी इज ट्वेंटी फोर्थ मार्च एंड ऑप्शन डी इज फर्स्ट डिसेंबर नाउ The correct answer here is option B, 4th February. Now let us see all the remaining options. Option A is 30th January. This is what? This is World Leprosy Day. Option C is 24th March. 24th March is nothing but World TB Day. And last is 1st December. You all know 1st December is World AIDS Day. धूम्रा, पारावता सर्प की किस जाति का स्वरूप है अगत तंत्र से हमने क्वेश्चन लिया है तो यहां पर पहले मैं आपको बता दूं कि सर्प की चार जातियां बताई गई है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ठीक है तो यहाँ पर जो ये टर्म लिया हुआ है धूम्र पारावता ये इसका क्या है वैश्य ठीक है अब बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं ब्राह्मण के लिए कहा गया है स्वर्णाभ स्वर्ण के सदृश इसके बाद क्षत्रिय के लिए कहा गया है सूर्य चंद्र आकृति सदृश सूर्य और चंद्र के आकृति के जैसा सर्प का क्या सर्प की जाति बताई गई है सूर्य चंद्र आकृति सदृश और शूद्र के लिए कहा कहा गया है माहिश द्वीपी विवर्ण द्वी, वर्ण इस तरह से यह सर्प की चार जातियों के बारे में कहा गया है रेफरेंस यू विल गेट इट ऑन सुश्रुत कल्प फोर बाय ट्वेंटी सेवेंथ श्लोक ठीक है चलिए नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन द नाइन्थ क्वेश्चन इज ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडी इज सेट फॉर विच ऑफ दि विच फेज ऑफ क्लिनिकल रिसर्च सो फर्स्ट आई विल लेट यू नो वॉट आर द फेजिस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च फेज जीरो फेज वन फेज टू फेज थ्री एंड वन मोर फेज इज देर फेज फोर दीज आर द फेजेस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च So, ट में लाने से पहले हम आपको पता है कि उस पर एनिमल टेस्टिंग करते हैं तो एनिमल टेस्टिंग करने के लिए हम स्टार्टिंग में ही उसको डोज ज्यादा देकर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं क्या नहीं तो क्या करना चाहिए उस पर एकदम स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन लेंगे हम और उसपे ये टेस्ट करेंगे दैट इज माइक्रोडोजिंग स्टडी सो यर इट इट कम्स अंडर फेज जीरो नेक्स्ट द लास्ट क्वेश्चन इज सुश्रुत अनुसार पोतकी नामक वर्तमगत रोग में प्राधान्य दोष एवं चिकित्सा क्रमशः बताई गई है अब यहाँ पे दो, दो चीजें पूछी गई है क्वेश्चन में पहली चीज क्या है प्राधान्य दोष सेकंड चीज क्या है चिकित्सा शालक्य तंत्र का क्वेश्चन है ये अब यहाँ ध्यान दो कि पोतकी में जो दोष प्राधान्य है दैट इज कफ दोष और जो चिकित्सा बताई गई है पोतकी में लेखन तो यहां हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन सी पोतकी में कफ दोष का प्राधान्य रहता है और चिकित्सा जो है मेन चिकित्सा क्रम दैट इज लेखन सो ऑप्शन सी यर इज करेक्ट रेफरेंस यू विल गेट इट फ्रॉम सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय एट श्लोक नंबर सेवन